वेलकम है सभी लोगों का एकदम ब्रांड वीडियो के अंदर। आज हम लोग आ चुके हैं ऐसे वर्ल्ड के अंदर जहां पर एक्सपी इज इक्वल्स टू टाइम। कहने का मतलब है आप तुमसे रोके टाइम मतलब क्या भाई, 24 एक्सपी हो जाएगी तो 24 घंटे हो जाएंगे? नहीं, जैसे कि इस वर्ल्ड के अंदर अभी तुम्हारा भाई है एक चिंपांजी। तो मेरे को इंट्रो कायदे से दे रही थी। सॉरी भाई, जितने भी चिंपांजी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको मेरा सॉरी। मेरे को पता है मेरे को तुम्हारी लैंग्वेज नहीं आती। तो एक मिनट, चिंपांजी लोग ये वीडियो क्यों देख रहे होंगे भाई? तो गाइस हम लोग आ चुके हैं ऐसे वर्ल्ड के अंदर जहां पर हम लोग लिटरली एक चिंपांजी, और जैसे जैसे हमारी एक्सपी बढ़ती जाएगी ना वैसे वैसे हम लोग भी ऊपर बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे करके हम लोग वापस से ह्यूमन बनेंगे और बहुत सारी चीजें जिसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बट सबसे पहली चीज जो हम लोगों को करनी पड़ेगी वो होगी थोड़ी सी लकड़ी जमा करनी है हम लोगों को, ठीक है? जो कि भाई तुम चाहे चिंपैंजी हो, इंसान हो, तुम कुछ भी हो ना भाई, माइनक्राफ्ट खेल रहे हो ना, तो लकड़ी में बिना मुक्का मारे तुम्हारा काम नहीं चल सकता दोस्तों। नहीं मतलब नहीं। तो चलो फटाफट से लकड़ी तोड़ते हैं। एंड बाय द वे, जिसको भी पता नहीं है गाइज, मेरे को तुम लोगों को एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी थी। तो यस, सॉरी यार। तो मुझे जो चीज़ कोई हुआ करा क्या है? ओए कौन है? अच्छा वॉन्डरिंग ट्रेडर, क्या लेके आया ये? स्लाइम बॉल, बकेट, ट्रॉपिकल फिश, ओक सैपलिंग 5 का। मारूंगा ना इसका लामा, मार देगा मेरे को, इसलिए कुछ कर नहीं रहा हूं मैं। और मैं वैसे भी बंदर हूं तो ज्यादा हरकतें कर भी नहीं सकता हूं मैं। बट यस, मेरे को तुम लोगों को बताना था भाई, 100 days 100 videos में हम लोग जा रहे हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग। आज है 4th day और ये 4th वीडियो आ चुकी है भाई। आई होप तुम लोगों को भाई मजा आ रहा होगा। अगर तुम लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाओगे मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेट्स सी अगर हम लोग 100 days 100 videos इस बार कंप्लीट कर पाएंगे। जिसने भी सब्सक्राइब वाला बटन दबाया जल्दी से दबा देना, और यस नोटिफिकेशन को भी ऑल ऑन कर देना ताकि जब भी वीडियो आए तो तुम लोगों को पता रहे कि क्या चल रहा है, ठीक है? लेट्स गो। अभी के लिए हम लोग फटाफट से जल्दी से अपना सारा का सारा सामान जमा कर लेते हैं यार। इसको तोड़ते हैं। वैसे कायदे से मेरे को ना इस वाले पेड़ को तोड़ना ही चाहिए, इसको तोड़ना चाहिए। क्यों? अभी मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि हम लोगों को ना सैपलिंग भी चाहिए। अब क्यों चाहिए वो मैं तुम्हें बताता हूं, क्योंकि जी यार जोक भाई, यार पता नहीं यार, मतलब मेरे को बड़े ही फनी लग रहा है भाई। हम लोग देखो ना तुम यार, ये देखो, अरे यार ऊपर को देख भी तो नहीं रहा है चिंपैंजी भाई, बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा है ये चीज। बट रुको, ये देख रहे हो। सॉरी यार जी यार भाई, चलो फटाफट से हम लोग एक चीज करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने लिए क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं, ठीक है? और हम लोगों को ये और चाहिए होंगे कम से कम 4। रुको, पहले एक काम करते हैं, इसको हम लोग भी अपने हाथ से तोड़ते हैं। लेट्स होप हम लोगों को एक सैपलिंग मिल जाए। क्यों चाहिए सैपलिंग वो तुम लोग अभी देखने। लेट्स गो, हम लोगों को सैपलिंग मिल चुका है। अब फटाफट से जल्दी से यहाँ पर से थोड़ी सी लकड़ी जमा करते हैं, क्योंकि सैपलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मजाक से हट के हम लोग कुछ भी एडवांसमेंट नहीं कर पाएंगे अगर हम लोगों को सैपलिंग नहीं मिला होता अभी तक। तो वो क्यों, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ एक बार। फटाफट से इसमें से लकड़ी जमा कर लेते हैं, ठीक है? सारी की सारी ये पूरा का पूरा पेड़ साफ कर दे, ताकि जब तक हम लोग वो चीज करें तब तक हमें और ज्यादा सैपलिंग्स मिल जाए, क्योंकि एज अ मंकी। जी यार भाई, बहुत ही कूल लग रहा है भाई। पता नहीं यार, तुम लोग बताओ मेरे को तुम्हें कैसा लग रहा है ये बंदा, क्योंकि मुझे बहुत फनी और बहुत कूल लग रहा है। तो इसी बात पे हम लोगों के पास आ चुके हैं भाई बनाना सैपलिंग्स, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? आ जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है? आ जाओ दिखा दूंगा। एक चीज करते हैं, ये ओक को तो हम लोग हटा ही देते हैं बिगले, पहले थोड़ी सी स्टिक्स बना लेते हैं अपने लिए, ठीक है? क्योंकि हम लोग को स्टिक्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ने वाला है। और एक ये बना लेते हैं ताकि हम लोग अपना सारा का सारा सामान बेसिकली स्टोन का बना सके, ठीक है? क्योंकि जरूरत तो पड़ने वाली है। चलो इसको तोड़ लेते हैं यहाँ से। क्या चाहिए तेरे को? चाहिए क्राफ्टिंग टेबल लेके मारूंगा ना कान के नीचे। हाँ यार भाई, बंदर से मार खा के चले जाएगा अभी। ओबे ओके भाई, फॉल डैमेज तो लगेगा। मेरे को लगा भाई क्या पता बंदर अलग ही तरीके से कूदता हो भाई, फॉल डैमेज ना लगता हो। बट लेट्स गो, हम लोग लगाते हैं इस बनाना सैपलिंग को नीचे, एंड लेट्स सी हमें क्या मिलता है। 1 2 3 बूम। मैंने तो कोई बात नहीं, चलेगा मुझे। और अब देखते हैं फटाफट से इसकी लकड़ी में क्या मिलता है हमें, ठीक है? इसकी लकड़ी में तो कुछ कूल होगा, क्योंकि ऊपर तो बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है जो भी चीज़ आई हुई है। बट आई थिंक लकड़ी में कुछ भी कूल नहीं है। ओके, लकड़ी ओकी है, ठीक है? ओकी मिला हम लोगों को। बट यहां पर हम लोगों को कुछ अलग सी चीज मिल गई, जो कि है बनाना। ओके, वैसे बनाना सैपलिंग से और उगता भी क्या है यार भाई, तुम यार छी भाई बातें कर लो यार। बनाना सैपलिंग से और उगेगा क्या ये बता दो मुझे भाई, क्या उगना चाहिए? मतलब सेब उगने चाहिए थे क्या?
बनाना से बनाना ही होगा ना, लेकिन कितना ज्यादा बनाना हो गया भाई, एक बार इसको खा के देखते हैं। लेट्स गो, आई एम अबाउट टू ईट अ बनाना गाइज। कुछ भी नहीं हुआ, हेल्थफुल हो गई एक बारी में, नाइस रे। ये तो बहुत सही चीज़ है, फिर खाने की तो अपने पास कमी नहीं है। बट यार ऐसा नहीं हो सकता खाली ये बनाना से ही काम चल जाएगा, कुछ तो और भी होगा। बट उससे पहले एक काम करते गाइस, फटाफट से अपने सारे के सारे टूल्स को हम लोग स्टोन का बना लेते हैं पहले, ताकि आगे जाके हम लोगों को कोई भी चीज़ की कमी ना पड़े। सो लेट्स गो स्टोन एज। अरे स्टोन एज तो अभी आएगी, रुको जरा, चलो फटाफट से इसको तोड़ते हैं, ठीक है। हम लोग को एक्चुअली ज़रूरत पड़ने वाली है, सो लेट्स गो करते हैं फटाफट से इसका काम भी शुरू। हम लोग सबसे पहले अपने लिए एक छोटा सा वो बना लेते हैं, देयर वी गो, अपने लिए एक पिकैक्स बना लेते हैं, ठीक है। एक स्वॉर्ड बना लेते हैं जस्ट इन केस कोई हम पे हमला कर दे, भाई बंदर बचेगा कैसे, बंदर को भी तो बचना है। और एक एक्स बना लेते हैं, ठीक है। एक्स, पिकैक्स और एक स्वॉर्ड हो गई, काफ़ी आएगी सभी के लिए। तो चलो आगे को बढ़ते हैं भाई। मंकी मंकी खाए केला, रुक जाओ, इसमें कुछ लिखा हुआ था क्या बनाना में? स्नेक वाइल ईटिंग टू ड्रॉप पील, मॉब स्लिप ऑन पील, मतलब अगर मैं खाते समय स्नीक करूं तो उसने नीचे केला फेंक दिया है, व्हाट? लेकिन इससे कुछ हो नहीं रहा है, मैं तो नहीं फिसल रहा इसमें, एटली पर मैं चढ़ जा रहा हूँ। रुको जरा, एक बार चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं इसको, ठीक है। वैसे रात होनी, ओ लेट्स गो, हम लोगों को चलते चलते मिल गया विलेज जानी, ना ना नी 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 नी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। चलते रहो भाई, चलते रहो, आ जाओ। वो रहे, देखो देखो मेरे को मॉब्स भी दिख गए हैं, तो लेट्स गो, इसको एक बार टेस्ट भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इससे होता क्या, हम लोग अगर केले के छिलके में फिसलेंगे तो होगा क्या भाई? ये बहुत ज़्यादा फनी लग रही है, देखो ना पानी में, भाई राइज ऑफ द प्लैनेट एप्स होने वाला है यहाँ पे, तुम देखते जाओ बस। लेट्स गो, आ जा मंकी, मतलब सॉरी आ जा पिग्गू, ठीक है। मैंने ये लगा दिया है, अब देखते हैं, अब इसको भगाता हूँ उधर को। हैं, वो चढ़ा था ना उस पर, कुछ भी नहीं होता है, जट बेकार चीज़ है बिल्कुल एकदम। या फिर एक मिनट, और स्पाइडर की आवाज़ आई, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये खाली हॉस्टाइल मॉब्स। ओह यहाँ तो स्पॉन है, अबे इसको भी कुछ नहीं होता, ये फालतू चीज है भाई। ये केले से फिसल तो रही नहीं है, वो स्पाइडर के तो और जो इतनी सारी टांगे हैं, वो तो और गंदा फिसलना चाहिए कायदे से। ओए अरे भाई जॉकी आ गया। ओह व्हाट, What? और वो केले का छिलका भी। ओ भाई साहब पटाखे बज रहे यार वहां सीधे। अबे चलना यार तू, रुक जा मेरे को इसको तोड़ना पड़ेगा गाइस। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, तुम सही बात होगी जरा। बस सिंपल भाई, लेट्स गो। प्रोटेक्शन फॉर व्हाट, नेम टैग। ओ भाई हम लोगों को सब, भाई अगर ये गोल्डन एन्चांटेड एप्पल होता ना, फिर तो हम लोगों को लिटरली सब कुछ मिल जाता भाई। हम लोगों को जेन्युइनली भाई क्या नहीं है हमारे पास इस टाइम पे। रुक जाओ भाई, ये मंकी ना आगे जाके बोन भी उगाएगा, रुक जाओ तुम देखते जाओ बस। चलो जी यार, विलेज में मिली चुकी हम लोगों को, आराम से जाके सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हट जाओ, देखा डरा के हटा दिया ना उसको, दो मिनट में भाई, टाइम नहीं लगा, दो मिनट में बस। तो चलो गाइस अभी एक काम करते हैं हम लोग, पहले ना सबसे पहले बनाते हैं एक केले की पिकैक्स। आई नो सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, बट जेन्युइनली हम लोग एक केले की पिकैक्स बनाने वाले, जो कि जिसका नाम ही बनाना पिकैक्स है। पर ये करती क्या है, ओ ये तो एन्चांट हो गई। ओरे एफिशिएंसी, एफिशिएंसी 10। भाई ये तो बढ़िया चीज़ हो गई, हम लोगों को आयरन चाहिए राइट, हम लोगों को एटलीस्ट अपना आर्मर तो अपग्रेड करेंगे। एक काम करते हैं, थोड़ा सा आयरन लेके आते पहले, और ये टूट भी नहीं रही है भाई, ये तो बहुत ओपी चीज़ है, थोड़ी भी नहीं। तुम सोचो तुम्हें ऐसी पिकैक्स मिल जाए, वो भी इतने ईजिली, भाई केले से मिली है पिकैक्स मुझे। अरे रुको 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 रुको, ये देखो ये देखो ये देखो, रेडी, अब देखो इन लोगों ने मुझे जितना परेशान करा है ना, अब इन्हें मैं बताऊंगा बेटे असली पावर ऑफ द एप। ये देखो तुम, ये देखो तुम, ट्रैप लग चुका है दोस्तों, ट्रैप हैज बीन डिप्लॉयड। अब देखो तुम, मंकी पावर आ जा। अबे ओए, अबे ये कैसे उड़ गया, अब
अबे उड़े जा रहा है, व्हाट? देखो इन्हें, ये हैं उड़ती सी भेड़े हवा में जाके। भाग भाई भाग भाग, फट जाएगा। अबे ये तो रुक जा भाई, इसको अच्छे से लेके आता हूँ, इसके बीच में लेके आता हूँ इस बार, ठीक है? जी यार क्या कर रहा हूँ यार, मैं गेम में बीच में रखूंगा। ले भाई उड़ गया, ले भाई उड़ गया। अरे बेटे फिसल चुका है मेरे केले के छिलके में तू। ला 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 ला। मैं मर गया आज, मैं मर गया। ए भगवान मुझे बचा लो। आ जा मंकी से पंगा, रुक जा इसको बताता हूँ। रुको ये मंकी से पंगा लेगा ना, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना चाहिए दोस्तों। अगर केले की पिकैक्स बनती है तो स्वॉर्ड भी बनेगी, केला स्वॉर्ड। आ जा मंकी से पंगा, मंकी से पंगा मतलब नंगा नंगा। अरे भाई साहब क्या डैमेज हुआ इसको, रुक जाओ। 1 2 3। जी यार मेरे को बड़ा मजा आ रहा है करने में यार, ये देखो। मेरे को तो ये लिटरली ये मंकी वाली एज जो है वो स्किप करने का मन ही नहीं कर रहा। जी यार मर जा भाई, यार मर जा यार, छोड़ यार। इसको मैं केले से ही मारू क्या, बताओ? एक लास्ट बस, आई थिंक ये मरने वाला है, तो इसके सामने अब एक केला खा लूंगा मैं। ब्लास्ट! अब खाऊंगा, अब होगा ब्लास्ट। अरे यार तू भाई, यार तुझे कितने चाहिए? एक केले में तो पेट ही नहीं भर रहा भाई का। रुक जाओ मुझे 2-3 लगाने पड़ेंगे आई गेस। रुक जाओ ये भी उठा लेते हैं। आई थिंक मुझे 4 लगाने चाहिए, जितना उसकी स्पेस होती है ना चलने की। बस अब बुला के लेता हूँ। गंदा आदमी बच्ची यार। अब देखो दोस्तों, ये देख रहे हो राइज ऑफ द प्लैनेट एप्स। अबे ओए सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं 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 नो राइज, सॉरी भाई सॉरी भाई सॉरी भाई। अरे भाई ये आर्मर भी नहीं है और मंकी है, ऊपर से एक बारी में मार देगा। अब देखो दोस्तों राइज ऑफ द प्लैनेट एप्स। अबे तू भाई यार, तू उसको डॉज करके आ रहा है हर बार, बहुत ही चोर है। अब करना डॉज, अब करना डॉज भाई। अबे सामान तो गिरा, सामान आयरन आयरन। भाई चलो फटाफट से एक काम करते हैं, अपने लिए एटलीस्ट आयरन का पूरा सामान जमा कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने केले की स्वॉर्ड बना दी जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल। आई थिंक ये नॉर्मल इनको तो 1 हिट में ख़त्म कर देगी, मैं क्रिट भी नहीं मारूंगा, ठीक है नॉर्मल मारूंगा। देखा 1 हिट में ही ख़त्म कर देगी, बट बाकी सब देखते हैं। चलो अभी के लिए तो इसको। अरे भाई साहब यहाँ मुझे सबसे पहले पता क्या चाहिए, मेरे को सबसे पहले चाहिए कोल थोड़ा सा। अरे डरा दिया भाई। बेटे मंकी से पंगा नहीं, बनाना स्वॉर्ड है भाई, कुछ नहीं दिख रहा है सही बताऊं तो। रुको जरा, ये रहा। चल अरे भाई नहीं, अरे भाई क्या बनाना, क्या पावरफुल चीज है, तुमने देखा क्या हुआ? व्हाट द हेक, अभी दिखाता हूं। रुको पहले अपने लिए वो बना दूं। देयर वी गो, ये लो भाई, भाई एक बारी में पूरी एचपी भर गई मेरी बनाना खा के। अरे ले आयरन भी मिल गया। जी जी इसको बोलते हैं सोने पे आयरन, सॉरी उस पे कोल पे आयरन। ये फेंको, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। डर्ट वर्ट हटा दो, कोल उठा लो, कॉबल स्टोन उठा लो, कोल उठा लो, बस चलो चलते हैं। अपने पास ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्या कहते हैं उसे अपना। अरे नहीं यार ये लोग कैसे आ रहे भाई, लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ ये भाई बनाना एक बार खाओ फुल हेल्थ, एक बार बनाना खाओ फुल हेल्थ सीधा। 8 आयरन हो चुका अपने पास, 4 और पड़ा हुआ है 12, हम लोगों को चुका 24 राइट।
तो अपने को एटलीस्ट 24 चाहिए, क्योंकि स्वॉर्ड वर्ड की हम लोगों को जरूरत नहीं है, वो तो अपने पास बहुत सही है भाई। बनाना पिकैक्स और बनाना स्वॉर्ड बहुत सही काम कर रही है, बहुत पावरफुल चीज़ है। अपने को बस थोड़ा सा और आयरन चाहिए होगा, तो नीचे को चलते हैं, लेट्स होप यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा बहुत और आयरन मिल जाए। आयरन, सॉरी यार, लैपिस लाजुली मिल रहा है, आयरन नहीं मिल रहा। बट ओ ये तो डायमंड पिकैक्स जैसा काम कर रही है भाई, ये देख रहे हो तुम लोग, लैपिस लाजुली भी तोड़ दे रही है, वाओ जस्ट वाओ। और ये ज़्यादा भी दे रही है क्या एक से, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है, देखो जरा, नहीं खाली एफिशिएंसी 4 है ना। ये क्या हो गया भाई, इतनी तेज़ तोड़ रही है कि भाई इतनी तेज़ तोड़ रही है कि वो लोड नहीं हो पा रहा है, और ये तोड़ दे रही है पिकैक्स भाई, बहुत पावरफुल। और सोचो ये तो फर्स्ट एज है, इसके बाद तो अभी स्टोन एज आएगी, फिर अपना जो करंट एज है, जो भी 21st century है वो आएगी, फिर अपनी लास्ट में आएगी भाई फ्यूचर एज। तुम समझ रहे हो कितना मजा आने वाला है भाई। ये ले भाई, तू इधर आ, तुझे बताता हूँ, रुक जा एक मिनट। हाँ भाई, मेरे पास प्रॉड 4 की बुक पड़ी है, कोई मानेगा नहीं ना। अरे तो जाना रे भाई यार, दिमाग खराब कर रखा है मेरा। चलो ये हो गया, हम लोग एक काम और करते हैं, हम लोग ना अपने लिए एक बो भी बना ही लेते हैं लगे हाथ, जब अपने पास सामान समून सारा पड़ा ही हुआ है, तो एक बो भी बना ही लेते हैं। देयर वी गो, बस इस बो को यहाँ पे डाल देते हैं। अब अपने पास कितना हो चुका है, 24 करेक्ट हो चुका है, राइट। हम लोग को बस एक पिकैक्स बना, मतलब सॉरी, एक एक्स बनाने के लिए सामान चाहिए होगा थोड़ा सा। मत करो यार, सुनो, जिससे पंगे नहीं ले सकते उससे क्यों भिड़ रहे हो फालतू, है ना, तुम्हारे लिए ख़राब है, मैं कुछ थोड़ा कर रहा हूँ। कहाँ है वो, बस चलो भाई अपना काम इतने में बन जाएगा, निकल जाए यहाँ से भाई। भाई बंदर से पिट के तुम्हें शर्म भी नहीं है क्या भाई, थोड़ा सा शर्माओ और बदतमीजी कम करो, ठीक है। आ जा, चलो ठीक है, अब निकलते हैं यहाँ पर से सीधे बाहर को, जहाँ से रास्ता था, कहाँ से रास्ता था, यहाँ कहीं से ही रास्ता होगा ना। अरे यार हम अपना रास्ता खुद बनाते हैं भाई, अब इतनी पावरफुल पिकैक्स है कुछ तो काम आएगी ना भाई। यार यहाँ से बाहर जाना ना भाई, बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ हो रही है। आई थिंक इस एज का एक लास्ट वेपन और बचता है जो हमें बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और चलो उसको भी बना ही देते हैं भाई। हैं नहीं, ऐसे नहीं बनता है, कैसे बनता है फिर, स्ट्रिंग केला नहीं तो कैसे बनता है फिर, एक स्टिक दो केले, यस ये रहा बनाना हुक। अब देखो भाई, स्पाइडरमैन हु बोलोगे तुमको, अरे फ्लीट भाई स्पाइडरमैन हु, कौन है ये स्पाइडरमैन, ये देखो तुम, देखो ये देखो, रेडी भाई सब बच गया, ये देखो हमें विलेज जाना, चल मेरे हुक ले चल, टू मच फन भाई, सॉरी यार भाई, अगर तुम लोगों को भी मजा आ रहा है तो लाइक वाला बटन दबाओ, और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा ना कर देना, इज्जत से मैं बता रहा हूँ, प्लीज भाई। ओए ओए नहीं, अभी बंदर में ही खेल खत्म हो जाता हमारा। चलो अब भाई सोने दो तो जरा, भाई मेहमान आए हुए हैं तुम्हें सोने, सॉरी गलती से लग गई यार, तुम भी ना गुस्सा कर देते हो यार, दूसरे घर में सो जाऊंगा, मुझे क्या है। भाई जब भी तुम उड़ रहे हो तो तुम्हें एटलीस्ट तब तो हल्ला मचाना पड़ेगा भाई, वरना तुम काहे के बंदर हो भाई, काहे के बंदर हो तुम, मैं तुम नहीं, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ एक तरह से। चलो गाइज, अभी हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें हो सकती थी ना वो सारी की सारी चीज़ें बना ली हैं, जो हमारे इस वाले में आनी थी, जो अपना बंदर वाला एज है बेसिकली। हमारे पास बनाना पील आ चुका है, हमारे पास बनानाज आ चुके हैं, हमारे पास बनाना पिकैक्स है, बनाना स्वॉर्ड है, और उसके बाद बनाना हुक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बनानी, बट अब टाइम आता है भाई इस एज को स्किप करने का, ठीक है। ये अब हो चुका है, अब इस एज को हम लोग स्किप करेंगे, और अब आएगी स्टोन एज। तो स्टोन एज के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को बनाना पड़ेगा एक सुपर बनाना बनाना। अब देखो, रेडी 1 2 3, अब हम खाने वाले सुपर बनाना, रेडी हो, चलो। वो अब हम लोग आ चुके हैं भाई स्टोन एज के अंदर, और ये रहा हमारा स्टोन एज, नॉट गेमर फ्लीट, मतलब गेमर फ्लीट स्टोन एज वाला, या। अब देखो तो ऐसे करते होंगे मेरे ख्याल से उस टाइम पे, नहीं लोग
मतलब ऐसा भी नहीं करते होंगे बट पता नहीं भाई कैसे बात करते थे, मुझे उस टाइम की लैंग्वेज नहीं पता यार, सॉरी यार, लेकिन ऐसे ही करते होंगे यार वाह, मतलब मैंने पिक्चरों में देखा है भाई, चिल्लाते रहते बस, मतलब अब हमें समझ में नहीं आता तो हमें चिल्लाना ही लगता है, बट वही वाली चीज़ है। चलो तो गाइस देखो, अब हमारे बनाना पिकैक्स का टाइम जा चुका है, क्योंकि अब आ चुका है भाई एक स्टोन एज गेमर फ्लीट, तो हम लोगों को कुछ तो स्टोन एज वाली चीज़ चाहिए होगी राइट, तो हम लोग सबसे पहले उसके लिए चाहिए होगा ढेर सारा कॉबल स्टोन, जो कि एक्चुअली हमारे पास पड़ा हुआ है, दो दो स्टैक पड़ा हुआ है। अब हम लोगों को बनाना पड़ेगा एक सुपर कॉबल स्टोन, जिसके लिए हम लोगों को 6 बेसिकली चाहिए होगा ऐसे में, और हम लोगों का राउंड कॉबल स्टोन, सुपर नहीं राउंड कॉबल स्टोन, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं एक बार, ये देखो भाई कितना कूल लग रहा है, देख रहे हो हाथ में, अबे हाथ में तो दिख ही नहीं रहा है यार हमारे इसके बट ऐसे दिख रहा है, देख रहे हो मेरे हाथ में, देख रहे हो तुम लोग राउंड कॉबल स्टोन कितना ज्यादा मस्त लग रहा है, एक बार देखते इससे क्या होता है, अगर मैं इसको मारूं तो कुछ नहीं होता है। अच्छा बेसिकली यार व्हील इन्वेंट हुआ था ना उस टाइम पे, तो वो वही वाली चीज है, अगर मैं इसे राइट क्लिक करूं है, सबसे पहले एक काम करते हैं भाई, जिस हिसाब से फट रहा है ना, तो हम लोगों को थोड़ी सी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ने वाली है, तो वो सिक्योरिटी और कहाँ से आएगी भाई, एक अच्छे आर्मर से आएगी, अच्छा आर्मर तो अभी हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आयरन का आर्मर तो हम लोग लगाएंगे भाई, ठीक है। चार तरीकों में बांट देते हैं इसको, देयर वी गो और देयर वी गो, उसके बाद हम लोग सेम चीज़ करेंगे अपने इसके साथ, देयर वी गो, देयर वी गो, देयर वी गो, अबे तो करना क्या चाहता है भाई, ये लो एंड लास्ट ईयर, ठीक है अपना मस्त करके ही उगता है, तब तक हम लोग एक काम करते हैं और ढेर सारे राउंड कॉबल स्टोन बनाते हैं, क्योंकि राउंड कॉबल स्टोन की हम लोगों को बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो हम लोग ओ एक टाइम पे एक ही इन्वेंट्री में रहे, ओ ये पूरी इन्वेंट्री घेर देता है भाई, ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया समझ गया साहब, ओके थैंक यू। चलो ये हो गया, अभी हम लोगों को बस यार थोड़े ना बनानास फेंक देता हूँ मैं, क्योंकि इतने स्टैक के हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तो इतना छोड़ देते हैं, दो स्टैक अपने पास रख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। एक काम करते हैं, मेरे को दो मिनट, तो मैं अपनी इन्वेंट्री साफ करके आता हूँ। तो गाइज इन्वेंट्री तो साफ हो चुकी है, बट मैं चाह रहा हूँ कि यार अगर मैं पहला वो बन जाऊँ केवमैन, जिसने भाई अभी ये खड़े होके चलाएगा क्या भाई घोड़ा, तू जिसने भाई पहला हॉर्स वो कराओ टेम कराओ, तो क्या मज़ा नहीं आ जाएगा, ये देखो भाई अभी उसका छोटा सा बच्चा भी है भाई, बड़ू है उसके साथ साथ चल रहा है, और मैं फिर भी उस पर खड़े होके बैठ रहा है, क्या फनी लग रहा है भाई, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है ना, तो अपना केवमैन जो है उसके ऊपर खड़े होके बैठ रहा है, देखो तुम लोग फनी भाई, हो गया क्या एक टाइम, नहीं ना आओ भाई ले जा ले यार, प्लीज़ भाई ऐसा मत करो यार रख लो यार कितनी बार में मानेगा भाई, घोड़े मान जा यार प्लीज़ भाई, मेरा दोस्त नहीं है, तीन तक की गिनती गाऊंगा, अगर नहीं माना ना आप तेरे को पेलता हूँ, रुक जा मैं मार ही दूंगा इसको, वन, देख रहे हो गाइस प्यार से बात नहीं चलती भाई, जहाँ डांट पड़ती है ना वहाँ डांट ही काम करती है, तभी तो कहते हैं लोग कि कुछ लोग मानते नहीं है ना, वो यही होते हैं भाई, ऐसे घोड़े होते हैं। चलो ये हो गया, अब इसको हम लोग छोड़ सकते हैं यहाँ पे अभी के लिए, और अपना फटाफट से जितना भी सामान है वो निकाल लेते हैं, अपना आयरन हो चुका है स्मेल्ट, सारा का सारा आयरन यहाँ से निकालते हैं, और अपने लिए एक बढ़िया सा आर्मर बनाते हैं, तो बढ़िया तो क्या ही है बट एटलीस्ट एक आर्मर होना चाहिए राइट, जो तुमको प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है, क्योंकि अभी अपने पास स्वॉर्ड वर्ड अच्छी है, मतलब इतनी खास भी नहीं है बट फिर भी पहले से तो बेटर ही है, और हमारे पास आर्मर नहीं है अच्छा, अब एक बार देखते हैं कि क्या ये, हाँ आर्मर नहीं दिखाएगा ये भाई, ये पूरा दिखाएगा मैं ऐसी, बट एटलीस्ट अपना आर्मर जुड़ चुका है, और हमारी एक्सपी है 800, मैंने अब भी ध्यान दिया 800, अरे भाई यार भाई मुझे नहीं पता था कि उन लोगों ने व्हील के साथ ऐसी चीज़ करी थी भाई, ये देखो तुम भाई, अगर इस व्हील के साथ मैं कुछ क्रेजी बनाऊं तो, अगर मैं इस व्हील के साथ एक स्पीयर बनाऊं तो, केवमैन स्पीयर, दो मिनट आंखें बंद करना, अबे कुछ भी नहीं हो रहा ऐसे तो डैमेज, अबे क्या था, ओके ये खींच के फेंकता है इसको, ओ भाई साहब ये कितना पावरफुल, ओए ओए गाइस ऑलमोस्ट मर गया था, ऑलमोस्ट डेड था मैं भी, ले भाई सारा सामान गया, देखो सारा सामान गया भाई, गलती मत कर अंशु, ये बहुत बड़ी गलती है, मजाक भी नहीं करूंगा, बट ये स्पीयर क्या खतरनाक चीज है भाई, तुम देख रहे हो क्या पावरफुल चीज है ये, और ये तो अभी केवमैन, तुम समझ रहे हो ना स्टोन एज चल रही है केवमैन वाली,
अभी अभी व्हील बनाया मैंने ये हैं? रुक जाओ भाई, अगर इससे वेपन बन सकता है ना दोस्तों तो गारंटीड है। रुको, मेरे को सबसे पहली बात तो बो की जरूरत नहीं है, अब बो की जगह मैं यही फेंकने वाला हूँ हर जगह पे, ठीक है। और इसको बहुत ध्यान से आपने ऊपर ना बिजली कड़का दूँ मैं कहीं। अब एक बात बताओ, अगर इससे ये बन सकता है तो इससे फिर वो भी तो बन सकता है ना तुम्हारा, क्या बोलते हो उसको यार, अगर इससे वो बन रहा है, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे यार पिकैक्स जैसी कोई चीज़ भी तो बन सकती है ना। एक बार पिकैक्स बना के देखते हैं इसे, ठीक है। देयर वी गो। ओ भाई ये क्या बना है, ये तो एक्स बन गई, केवमैन हैमर। रुक जाओ, इसे लकड़ी काट के देखते हैं। अरे भाई हैं, ओ भाई ये क्या चीज है, ये ऑल इन वन है गाइस, ये ऑल इन वन। रुको ये देखो, ये डर्ट को बिल्कुल शवल की तरह तोड़ रही है, शवल तोड़ती है तेज तेज, और ये लकड़ी को काट रही है बिल्कुल जैसे एक्स काटती है, देखो तेज तेज, और स्टोन को ले भाई, स्टोन को भी उतनी तेज तोड़ रही है। और कम हो रहा है, रुको जरा एक बार नीचे खोदते हैं इसका। ओ भाई ये एक 3x3 का एरिया खोद रहा है भाई, देख रहे हो तुम लोग, ये एक पूरा 3x3 का एरिया खोद दे रहा है भाई। ये बहुत ओपी आइटम है, मैं मजाक नहीं करूंगा भाई, ये बहुत सही चीज है। पहले हम लोग ऊपर चलते हैं, हम लोगों को डायमंड्स लेके आने कैसे भी भाई, अब तो मुझे चाहिए भाई डायमंड चाहिए मेरे को, मैं मजाक नहीं करूंगा यार, लेट्स गो भाई। हम लोगों को लिटरली इस पिकैक्स की भी जरूरत नहीं है, मतलब जरूरत तो है वैसे, ये बढ़िया काम कर रही है बहुत, बट भाई ये क्या खतरनाक चीज है, ये लाइक फास्ट नहीं है बट ये सारी चीजें तोड़ रही है, और 3x3 जब पत्थर तोड़ रही है तो 3x3 पूरा, ये बहुत काम आएगा भाई। इसको एक्स की जगह रख सकते हैं, और एक बार डैमेज देखते हैं इसका, ठीक है। डैमेज थोड़ा कम है, मतलब ये कितना डैमेज है इसका, अटैक डैमेज 3 ही है खाली, 9 जबकि एक्स का होता है, तो ये पिकैक्स वाले काम है इसके सारे के सारे, बट ये चीजें सारी दे रही है, तुम देख रहे हो, ये देखो ये, ओ भाई साहब ये कूल चीज है, बहुत कूल चीज है भाई, ये एक्चुअली एक हैंडीमैन जैसा हो गया, मतलब समझ रहे हो ना, सारे टूल्स एक ही के अंदर मिल गए, हमें ज्यादा चीजें कैरी करने की जरूरत ही नहीं है, बट ये बनाना पिकैक्स तो रखूंगा मैं भाई, ये बहुत काम आ रही है। तो गाइस टाइम आ चुका है कि हम लोग भाई इस स्टोन एज को करें बाय बाय, बिल्कुल सही, हम लोगों ने लाइक एप वो तो देख लिया, उसको जो भी बोलेंगे तुम लोग बताना मेरे को, जो भी चिंपैंजी वाली एज थी वो, उसके बाद हम लोगों ने स्टोन एज भी देख लिया, बट स्टोन एज को बाय बाय करने का टाइम आ चुका है, हम लोग इसको बीच में रखेंगे, और चारों तरफ ये हम लोगों की बन चुकी है सुपर रॉक, जिससे क्या होगा पता नहीं, जैसे खा के हम लोग बन जाएंगे। देखो स्टोन एज के बाद तो कायदे से लाइक नॉर्मल लोगों की एज आई थी, इंसान मतलब इंसानों की, क्या स्टोन एज में भी इंसान ही थे, बट तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश। इसने क्या करा भाई मेरे को, ऐसा मेरे बगल से जाके छूटे गया है मेरे को अजीब सा। ओ भाई नहीं यार ये मरेगा अब, ये गलती से इस बनाना पील पे चढ़ गया, अब ये मरा भाई, ये मरा, सॉरी ब्रो, रुक जाओ, पानी पानी पानी, सॉरी क्या, इसको बचाऊंगा मैं, पानी कहाँ है, Oops, ये इसको तोड़ देता हूँ ना, इसको हटा देता हूँ, दोबारा कोई हादसा ना हो जाए ना, सॉरी यार दोस्त। तो गाइज अब टाइम आ चुका है हमारी अगली एज का, जो की होगी हम लोगों की अभी वाली एज, जिसको बोलते हैं मेरे को नहीं पता, इंडस्ट्रियल एज या जो भी होती है वाली, मेरे को जनरली नहीं पता, साफ गलती होगी थोड़ी सी, यहाँ से चुपचाप साइड को खिसक लो और अपना एक केला खा के बैठ जाओ भाई। ये रहा हमारा सुपर रॉक एंड इट्स टाइम टू चेंज द एज गाइस, 1 2 3 गो। ओ भाई साहब फाइनली हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल वाली एज में, जिसमें हम लोग हैं, मतलब समझ रहे हो ना, अब हम लोग इंसान वाले काम कर सकते। एक मिनट यार, इसको मारते समय मेरे को हुआ उसकी याद आ रही है, मेरे को चिंपैंजी की बड़ी याद आ रही है। मेरा माउस पैड ना खत्म हो तो तुझे खत्म मैं कर दूंगा, थैंक यू भाई। मेरे को एक्चुअली आयरन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ती थी। अब हम लोगों को क्या करना, देखो हम लोगों ने वो बो फेंकी थी, नहीं फेंकी थी ना, अच्छा काम किया था। अब क्यों मैं बताता हूँ, पहले तो ये पिकैक्स, ये एक्स फेंक देते हैं, बट इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी हम लोगों को बो की क्या जरूरत पड़ने वाली है वो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। हम लोगों को सबसे पहले दोबारा से एक क्राफ्टिंग टेबल बनानी पड़ेगी, सिंस हमारी वाली क्राफ्टिंग टेबल मैंने कहीं तो फेंक दिया, मुझे नहीं पता है। गाइस यार अगली एज के लिए हम लोगों को आयरन चाहिए होगा, जो कि हम लोगों को वो डे के गया और ऊपर से अपने पास पिछला वाला भी पड़ा हुआ था। सो लेट्स गो, सबसे पहले हम लोगों को बनानी है एक AK-47। यस देख रहे हो,
इस एज का सबसे पहला काम का वेपन क्या है? AK-47। ये लो भाई, अब स्पीयर हम लोग हटा सकते हैं भाई, अब हमारी हाथ में आ चुकी है AK-47। क्या दिखने की खेल लग रही है यार, ये देखो तुम यार, ये देख रहे हो बेटे AK-47। ओए गबरू तो कैसे जड़ा संजय दत्त ते, ओए गबरू तो कैसे, ओ हैं ये आवाज कहाँ है? यार काम तो सही कर रही है बट ये क्या आवाज है भाई? मारियो में थी क्या ये AK-47 भाई? घड़गड़ 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 की जगह ऐसी भी नहीं होती है बट ना, मैं समझ रहा हूँ तुम लोग ऐसे ऐसे ठाए ठाए, नहीं तो बंदूक की हो जाएगी ना। अरे यार वो तो तुम्हें चार तरह से घेर लिया है, ठाए 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 यार तुम समझ रहे ऐसी आवाज की जगह ये क्या है भाई? टूट मारियो से उठा के लेके आओ क्या ये AK-47? क्या है ये? दिखने की अच्छी लग रही है बट ये क्या बदतमीजी है भाई? लेकिन ये गन बहुत ज्यादा काम की, आई थिंक ये वन शॉट मार रही किसी को भी, चाहे कितना ही दूर रुको, अब पता चलेगा। ये देखो बटरफ्लाई, ये देखो विलेज, गबरू तो केस जेड़ा संजय दत्त थे, भाग लो बेटा यहाँ से, अब इससे पहले सही में केस हो जाए। ठीक है, तो पहले काम की चीज आ चुकी है AK-47, बट अब हम लोगों को चाहिए भाई, सीधी सी बात है, अब अगर हम लोग आ चुके हैं अपने इंडस्ट्रियल एज में, इंडस्ट्रियल एज की बात का मतलब मेरे को पता नहीं है, साइंस की एज में आ चुके हैं हम लोग, तो भाई अब हम लोगों को कैसे भी चाहिए डायमंड। बिल्कुल सही भाई, आयरन से काम नहीं चलेगा, तुम समझ रहे हो, आयरन बहुत हो गया यार, अब हमें चाहिए डायमंड। बट डायमंड के लिए नॉर्मली हम लोग खोदने जाएंगे तो तुम्हें पता है हम लोग इस वाले का यूज कर सकते हैं, ये काफी अच्छा 3x3 खोद रही है मस्त करके, तो हमें ज्यादा दिखेगा, हम लोगों को नीचे जाने में ईजी होगा। बट अब हम लोग जब साइंस की एज में आ गए तो भाई यार साइंस वाला काम करते हैं ना थोड़ा सा, अपने लिए सबसे पहले बनाते हैं एक पिकैक्स जो कि होगी आयरन की। अब तुम लोग सोचोगे आयरन की पिकैक्स, वाह भाई वाह, लेकिन नहीं यार रुको जरा, हम लोगों को बनानी आयरन की पिकैक्स और उसके साथ लगाने हैं 2 आयरन और हम लोगों की ड्रिल मशीन बन चुकी है दोस्तों। अब देखो भाई तुम स्टार्ट ही नहीं हो रही है, 1 मिनट जरा, सॉरी यार थोड़ा ज्यादा हो गया, नहीं चलो देखते हैं भाई ड्रिल कैसे काम करती है, नॉर्मली तो तोड़ रही है, राइट क्लिक देखते हैं इसका, रुको जरा इधर, ये हुई ना ड्रिल भाई, एक मिनट, इजी भाई ये होती है ना ड्रिल भाई, वर्ल्ड लोड नहीं होने दे रही वो भाई, आराम से मिलेगा हमें डायमंड, इसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है। रुको जरा और थोड़ा सा ना साइड से खोदता हूँ भाई, मुझे नहीं पता मैं कौन सी हाइट पे हूँ, वैसे कायदे से ज्यादा हाइट पे नहीं होगा क्योंकि अभी तक का डीप स्लेट नहीं आई है ना। हाँ अब आने लग गई भाई बोलते ही, ठीक है एक बार थोड़ा सा नीचे खोदते और इसको ना थोड़ा टेढ़ा ले जाते, पता चला ऐसा ना हो कि ये ड्रिल इतनी ज़्यादा पावरफुल हो कि भाई ये तुम समझ रहे हो ना बेडरॉक भी तोड़ देती हो और मैं वर्ल्ड से ही बाहर, भाई इतनी ज़्यादा उसके बाद आगे आने के बाद मेरे को बाहर तो नहीं जाना है भाई वर्ल्ड से। ठीक है तो इसको थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा फेंकना शुरू करते हैं हम लोग अब, भाई साहब भाई ये ड्रिल प्रॉपर रास्ता बना रही है, देख रहे हो तुम लोग, अगर तुम लोग उसको टेढ़ा टेढ़ा फेंकते हो तो वाह भाई मैजिकल ड्रिल है। तो है कौन मार रहा है बे, ओ भाई मैं सही बोल रहा था भाई, ये बेडरॉक तोड़ रही है, दे भी रही है क्या? नहीं ना बेडरॉक दे नहीं रही है, बट भाई मैं सही था, ये बेडरॉक तोड़ रही है ड्रिल, थोड़ा बच के ठीक है इससे, अब नीचे को नहीं पढ़ना चाहिए, अब सीधे सीधे पढ़ना चाहिए। एक तो दिक्कत ये है कि इस वाले वर्जन पे बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है दोस्तों, ओ भाई नीचे को मत जा यार, बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है बिल्कुल सेंटर पे फेंकनी है ड्रिल भाई। एक तो दिक्कत ये है कि इस वाले वर्जन पे जो डायमंड्स होते हैं वो ज़्यादातर बेडरॉक के पास मिलते हैं, ठीक है बहुत पास भी नहीं बट ज़्यादातर पास, तो उसमें थोड़ा सा डर लग रहा है मेरे को अब, क्योंकि बेडरॉक गिरा टूटा और हम नीचे, तुम समझ रहे हो ना भाई रिस्क है इधर, ठीक है रिस्क, आ हा 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 मैंने उसे देखा तो मुझे लगा वावू,
वाहू भाई रुको जा रहा है, मुझे लग रहा है इस एरिया में और हो सकता है। ये देखो भाई, और देखो भाई, ये देखो तुम यार, अगर मैं नॉर्मल पिकैक्स से होता ना अभी तो मैं एक बारी को उसको छोड़ देता, यार छोड़ो यार इतनी मेहनत कौन करेगा, बट तुम देख रहे हो ड्रिल की वजह से हमें 8 डायमंड्स मिल चुके हैं भाई। हम लोगों को डायमंड का पूरा आर्मर चाहिए, तो हम लोगों को लगेंगे एटलीस्ट 24 डायमंड्स, और मेरे को नहीं लगता है पिकैक्स स्वॉर्ड किसी भी चीज़ की जरूरत है। स्वॉर्ड अपने पास बनाना स्वॉर्ड पड़ी हुई है, वरना फिर अपने पास AK-47 तो है भाई, जिसमें पता नहीं क्यों बट मारियो वाली आवाज आ रही है। ठीक है, आई एम सॉरी यार, लिटरली मारियो। भाई यहाँ पे कुछ है जो टूटा नहीं है बट लग रहा है कि टूट गया है, और उसमें मैं फंस चुका हूँ, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। ये देखो बच गया, निकल गया, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभार ना, कुछ ब्लॉक्स होते हैं वो टूटे नहीं होते वहाँ से, बट वो ऐसे दिखाते हैं कि वो टूट गए, तो उसकी वजह से फिर तुम अटक जाते हो। ये देख रहे हो जैसे मैं अटक रहा हूँ ना यहाँ पे, बेसिकली ये टूटा नहीं है बट ये लग रहा है कि टूट गया है। ये लो अब देखो, अब टूट चुका है, देख रहे हो ढंग से। हम लोगों को एटलीस्ट 24 तो चाहिए होंगे डायमंड। एक काम करते हैं, हुक की जगह पे अभी के लिए डायमंड रख देते हैं। ठीक है, ले भाई एक और डायमंड, कहाँ से गिरा है? ये हुई ना बात यार, लाओ लाओ सारा दो, 19 डायमंड हो चुके, लेट्स गो। ब्लू आईज हिप्नो टाइम स्टेमरी कमती है मैम्यूम आयुष मैम, छोटी ड्रम्स में बॉम्ब लमती मैनूम, बॉम्ब लमती मैनूम ग्लोम सिम लिम्स पम फैक्टिंग बेबी लग दी है किलर। ओ ये दे दो मुझको डायमंड्स, और भाई दे दो यार प्लीज, मजाक से हट के भाई थोड़े से और दे दो बस। ओ यस, ओ नहीं नहीं नो 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 भाई, मैं बिल्कुल भी सामान सुमून नहीं लेके चल रहा हूँ अपने साथ, तुम समझ रहे हो ना, सामान सुमून भी कट लुटिया करो, बस हो गया अपना प्रोटेक्शन इतने से हो जाता है। चलो गाइस हम लोग आ चुके हैं वापस से ऊपर, और अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों? बिल्कुल सही, हमारे पास देखो AK-47 आ चुकी है, ड्रिल आ चुके हैं, बट अब टाइम आ चुका है कि हम लोग पूरा का पूरा अपना डायमंड का एक आर्मर बना ले। सो लेट्स गो, इसको हटाते हैं अभी के लिए, देयर वी गो। एक पैंट भी हो जाए तो मजा आ जाएगा नहीं, और एक काम करते ना, इन दोनों को पहन ही लेते हैं, और इसको हम लोग पूरा आर्मर अपना डाल देते हैं गड्ढे में। भाई ये देखो, तुम लोग देख रहे हो इतना नीचे जा रहा हो, दिख भी नहीं रहा है, और थोड़ा बहुत ना ये कॉबल स्टोन भी फेंक ही देते हैं। और मेरे को नहीं लग रहा है, मेरे को डॉग भी मिल रहा है, तो मैं पत्थर भी फेंक रहा हूँ बीकले, मतलब पत्थर कह रहा हूँ, हड्डियाँ भी फेंक रहा हूँ बीकले। और हम लोग अपने लिए क्या बना सकते हैं, एक चेस्ट प्लेट बना सकते हैं, और एक हेलमेट, नहीं हेलमेट तो बन चुका है, अच्छा वो बच गया, देखे मैं ये हो गया, एक जूता बना लेते हैं बस। ठीक है, तो अपने पास सारा का सारा सामान आ चुका है गाइज, और इसको हम लोग पहन लेते हैं, देयर वी गो। अरे मैंने जूता नहीं फेंका था क्या यार, ऐसी कैसी गलती हो रही है यार मेरे से। जाओ जा जूते, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जा। चलो ये हो गया पूरा का पूरा, हमारा पूरा आर्मर आ चुका है, सब कुछ रेडी है। अब हमारे पास 2 डायमंड तब भी बच जाते हैं, वैसे हम लोगों को और ज़्यादा डायमंड की जरूरत पड़ सकती है, जो कि मेरी तरफ से थोड़ा सा बेवकूफ़ी वाली चीज़ हो गई, बट ठीक है। अब हम लोगों को देखो डायमंड की स्वॉर्ड वर्ड बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अपने पास ये स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा तगड़ी पड़ी है, पिकैक्स अपने पास तगड़ी वाली पड़ी हुई है। अब एक काम करते हैं, हमारे पास सब कुछ है, देखो वाटर बकेट सब कुछ है, तो एक काम करते भाई साहब, मैंने इससे ये तोड़ा, वो कितनी जल्दी टूटा देखा तुमने। चलो अब एक काम करते हैं, फटाफट से एक लावा पूल ढूंढते हैं और सीधे नेदर की तरफ निकलते हैं, क्योंकि अगर हम लोगों को अपना लास्ट और फाइनल फॉर्म चाहिए, कहने का मतलब है कि एकदम समझ रहे हो ना तुम लोग, अब हम लोगों को अगर फाइनल एज में जाना है ये साइंस वाली एज के बाद भी, तो हम लोगों को भाई पहले नेदर में जाके सारा सामान इकट्ठा करना पड़ेगा, जो कि तुम्हें पता ही है क्या होता है भाई, अपना क्या कहते हैं उसे, ब्लेज रॉड हो गई और अपना वो हो गया, मतलब ब्लेज पाउडर और अपना आई ऑफ एंडर चाहिए होगा हमें। ठीक है, बेसिकली हमें आई ऑफ एंडर चाहिए ना, हाँ हम लोगों को एंडर पर्ल्स चाहिए होंगे वो सब। तो चलो पहले फटाफट से चलते हैं, और यार काश मैं उड़ पाता यार, कितना मजा आता, नहीं बट वही वाली है ना, साइंस वाली के भी बाद होगा, साइंस वाली एज भी खत्म हो जाएगी, तब मे भी हम लोग उड़ पाएँ होपफुली, लेट्स सी क्या होता है। बट अभी के लिए तो ये एज को स्किप करने के लिए हमें निकलना पड़ेगा डायरेक्ट नेदर, AK-47 लेके। अबे अच्छा उतने दूर नहीं जाती क्या गोली, ये क्या आवाज है भाई, ये क्या आवाज है भाई, ये क्या है ये, अरे भाई साहब मतलब ड्रिल जा रही है उतने दूर, वो देखो ड्रिल से उसको गिरा सकता हूँ मैं, वो देखो अब मर ही गया वो, ओ भाई साहब ड्रिल पड़ती है तो मर जाता है बंदा। ओए ये क्या ग्लिच हो गया, ई छी छी, हाँ ना ड्रिल पड़ रही है तो भी मर रहा है भाई बंदा। ओए हट जा, हट जाओ, मैं अपने मुंह से आवाज निकालूंगा अब, ठाए 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 ठाए। सॉरी यार, सॉरी बकरियों, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना यार, सॉरी यार, सॉरी। चलो अब फटाफट से लावा पूल ढूंढते हैं, मैं घूम के आ गया भाई वहीं विलेज के बगल में, छिछी कैसा बंदा हूँगा मैं, फटाफट से एक बढ़िया सा लावा पूल ढूंढते हैं। मेरे को क्या लग रहा है ना गाइस, हम लोगों को ऊपर मिलना वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो बेस्ट चीज़ क्या होगी अगर हम लोग नीचे चले, तो
लाइक लावा अभी तक का मेरे को थोड़ा सा भी दिखा नहीं है, तो मेरे को लग रहा है अगर हम लोग नीचे जाते हैं ना तो अपने को थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देयर वी गो, चलो अब यहाँ से नीचे चलते हैं तो हम लोगों को लावा पूल मिलना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। भाई मैं बच गया अभी, तुम्हें पता है मेरे को लगा मेरे पास वाटर बकेट है तो मैं बच जाऊँगा, बट एक्चुअल में अभी दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी। थैंक यू भाई, केले हैं यार, जब तक केले हैं ना मेरे पास मैं इनविंसिबल हूँ भाई। पानी 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 भैया जी, मेरी बोतल में पानी भर दीजिए। लावा लावा लावा, जहाँ लाइट आ रही होगी वहाँ लावा। देखा मैं बोल रहा था ना नीचे चलो यार, नीचे लावा की तो बरसात हो रही है वहाँ। ओए ठाए ठाए, अरे यार मुझसे बदतमीजी नहीं भाई। वो देख रहे हो दो दो क्रीपर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे ना, क्यों नहीं दिख रहे पता है? ओए ओए, अरे भाई साहब, अरे नहीं 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 नहीं, केले 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 बचाएंगे मुझे, केले बचाएंगे, बस केले खाते रहो, केले खाते रहो, बस केले नहीं रुकने चाहिए गाइस। बनानास वोंट स्टॉप, कांट स्टॉप। भाई बच गए भाई, चलो भाई साहब क्या टाइमिंग से क्लच हो गया, वरना बहुत दिक्कत हो जाती है, अभी पैदल जाता मैं यहाँ पे। भाई पैनिक में मैंने गलती से देखा था ना क्या करा मैंने, अरे यार मैं तो बेवकूफ हूँ ना, पैनिक में गलती से हो गया और अब ये भी कर दिया गलती से। सॉरी। चलो ये हो गया, इसको हटा दो, ये भी हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों को चाहिए होगा 1 2 3, ये आगे से, ये 2 इधर साइड से, देयर वी गो। और इसको ना हमें ब्लॉक करना पड़ेगा एक तरह से, मैं बहुत गलत ब्लॉक लगा रहा हूँ बट ठीक है। चलो भाई अब इसको यहाँ से पानी डाल देते हैं, ये पानी आएगा यहीं पे। चलो 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 चले मितवा, एक बढ़िया सा हम तो होटल बनवावेंगे। ले बन गया पोर्टल, चलो भाई। स्टील है ना, फ्लिंट तो मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं तो होगा। ग्रेवल मेरी इन्वेंटरी में नहीं है क्या? अरे ग्रेवल ग्रेवल तो मिल ही जाता है यार, ये देखो ना यार, ग्रेवल तो मिल ही जा, रुको इसमें वो है ना लूटिंग है ना, तो अच्छा लूटिंग तो वैसे नहीं मिलेगी बट ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे हो जाएगा। देखो तुम देखो, ये देखो इस वाले पे, चलो कोई बात नहीं, ये देखो अब। बस सिंपल यार, बहुत टफ है क्या? नहीं ना। चलो अब इसको फटाफट से निकलते हैं यहाँ पर से और जल्दी से जाके लेके आते हैं। सही बताओ तो इसमें ना अगर तुम लोग ध्यान दोगे ना तो इस वाले में ना लूटिंग एन्चांटमेंट है, तो हम लोगों को बाकी सारी चीज़ें बहुत इजीली मिल जाएंगी। अच्छा वैसे एक्चुअली हम लोग ये भी तो कर सकते थे यार, लकड़ी अपने पास थी वहाँ से काट के यहाँ लगा देता, बस जल जाती हो, ख़त्म हो जाता। चलो कोई बात नहीं, दिमाग नहीं चल पाया, क्या कर सकते। नहीं प्लीज़ बोल दो कुछ है, मेरे पास हुक है ना, बस ये बहुत काम आने वाला है हमारे। अब देखो तुम हुक का खेल, ये देखो वो देख रहे हो भाई, बनाना हुक भाई है। मेंढक मेंढक की आवाज आई ना भाई, तुम ये देखो यार। हुआ अच्छा, इसको यूज करने पे मेंढक की आवाज आ रही है, ओए आराम से ओए। नो वे मैं मर गया। केले केले ही बचा सकते मुझे। केले भाई, ये केले सही चीज है पता है तुम्हें, जिस हिसाब से ये एक्सपी बढ़ा रहे, मतलब एचपी बढ़ा रहे ना हैं, मैंने क्या फोड़ा? अरे यार मैंने शिफ्ट दबा के केले खाए ना, तो कोई स्ट्राइडर ने पैर रख दिया होगा उसमें। चल 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 खींच के ले चल, बढ़िया भाई। ये हुक भी बहुत सही चीज है भाई, सबसे अगर तुम ध्यान दोगे ना, सबसे काम की चीज हमें कब मिली है पता है तुम्हें? हमें सबसे ज्यादा काम की चीज मिली है ऐसे टाइम पे जहां पर सबसे ज्यादा बेकार चीजें मिलनी चाहिए थी कायदे से, जो कि था अपना एकदम मंकी एज, समझ रहे हो ना तुम लोग, मैंकी वाली एज पे। यार ये सब नहीं चाहिए मेरे को, फटाफट से चाहिए अपना एक स्ट्रांग होल्ड, नहीं ना स्ट्रांग होल्ड मैं खुश हो गया था एक बार, हमें फटाफट से एक स्ट्रांग होल्ड चाहिए। एक काम करते हैं बेस्टिन के पास चलते हैं, क्योंकि स्ट्रांग होल्ड जाता ना बेस्टिन के पास मिल जाते हैं कभी कभार, मतलब कभी कभार के ज़्यादातर मिल जाते हैं सही बताऊँ तो। चलो फटाफट उधर को चलते हैं, जोर से बोलो वामू और चल लो। कैसा बेस्टिन है भाई, बहुत टूटा फूटा बेस्टिन है। तो बस हम लोगों को बेस्टिन से कुछ काम नहीं है मेरे को सही बताओ ना, क्योंकि भाई ये लिटरली एन्चांटेड गोल्डन एप्पल का काम कर रहे हैं उससे भी अच्छा। भाई एक खाओ सीधा एक्सपी, मतलब एचपी फुल, तुम समझ रहे हो? बस वही वाली बात है कि तुम्हें वो नहीं मिल, रीजन 4 भी मिलता है इससे,
हाँ मतलब तुम लोगों को बस एचपी बूस्ट नहीं मिल रहा है, बस एक ही चीज है, बाकी सब तो हो रहा है। यार कम ऑन यार, या तो वॉर्प डिवाइन मिल जाए या तो फिर अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाए, दोनों में से, मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड कह रहा हूँ, फोर्ट्रेस मिल जाए, दोनों में से एक चीज मिल जाए बस। यस मिल गया, मैंने तुम्हें बोला था ना भाई, आसपास अगर तुम्हें कहीं पर भी एक वो दिख रहा है ना, क्या कहते हैं, बैस्टियन दिख रहा है, तो ट्राई करो इधर उधर हाथ पैर मारो तो तुम्हें मिल जाएगा। एंड मोस्ट प्रॉब्ली उधर को अपना वो भी है, वॉर्प्ड बायोम भी है, क्योंकि जो वर्ल्ड होता है ना वो थोड़ा सा स्काई जो होता है वो ब्लू होता है वॉर्प्ड वाले में। चलो चलो चलो, बस रीजन हो गया है, अब आराम से आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा डैमेज खा लेंगे। अब चलो फटाफट से चलते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ को। अबे भाई यार, ये AK-47 के दिखाने के लिए रखी है मैंने। अबे मार, फिर मैं मारूंगा, एक गोली मैं भी चलाऊंगा, मार ठाए। नहीं तो भाई, मैंने कोई दिखाने के लिए नहीं रखी है AK-47 भाई, चलाने के लिए रखी है। भाई इसकी आवाज़ अच्छी होती ना, मज़ा आ जाता है यार, आवाज़ क्या है ये। देखो हम लोग इनको ना यहीं से मार देंगे, देख रहे हो कितनी मस्त चीज़ है ये, देखो इनको मारना कोई बड़ी चीज़ नहीं है भाई, इनको आराम से मार देंगे हम। हम लोगों को बस कैसे भी उनको इससे मारना है, स्वॉर्ड से, क्योंकि उसमें वो है ना, लूटिंग है ना, तो इसलिए इसका ध्यान रखना है बस, ठीक है। बस अब ध्यान से हुक फेंकना है बिल्कुल, देखा नहीं फेंका ना ध्यान से। बस अबे ए! बस मैंने पता नहीं क्या करा है, मुझे भी नहीं पता है, बट आ जाता हूँ। कितना 13 ब्लेज रॉड गाइस, अपना ब्लेज रॉड का काम हो चुका है। यहां से इससे पहले ये मेरे को जला जला के मार दे, यहां से निकलते हैं भाई। वैसे मार नहीं सकते मेरे को जब तक मेरे पास केले है भाई, जब तक मेरे पास केले है ना, मैं अकेला नहीं हूं भाई, मतलब तुम समझ रहे हो, जोक था भाई। अरे चलना यार, AK-47 भाई हल्के में ले रहे हो क्या, ठाए ठाए भाई। बस अब हम लोगों को एक वॉर्प्ड बायोम ढूंढना है, और वॉर्प्ड बायोम में हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एंडर पर्ल्स। अब मोस्ट प्रॉब्ली एंडर पर्ल्स भी हम लोगों का दो एंडरमैन मारने में हो जाएगा, ठीक है, दो एंडरमैन मारने में भी अपना एंडर पर्ल्स का काम भी हो जाएगा जहाँ तक है। बस सही है, ये हम लोगों को वॉर्प्ड बायोम भी मिल चुका है दोस्तों, तो चलो फटाफट से जाओ। एक और भाई, एक और वो है यहाँ पे यार, क्या कहते हैं, तुम्हारा फोर्ट्रेस है यहाँ पे एक और, बट कोई बात नहीं भाई, अपना हुक यूज़ करके भाई, क्या सही चीज़ है यार, ये बहुत पावरफुल चीज़ है। बस गंदी सी मेंढक वाली आवाज़ आ रही है एक, अब हम लोगों को उस वाले को लपेटना है, ठीक है, तो चलो चलो जी यार। पता नहीं यार, जब भी हुक यूज़ होता है ना, मेरा मन कर जाता है बहुत ज़्यादा यार कि मैं ये वाली आवाज़ निकालूं, बट इस वाले, इसको मारते हैं, लेट्स होप हम लोगों को कुछ बढ़िया सामान मिल जाए इससे। ओके सर 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 वेट सर, अबे नहीं यार लावा में मत गिर जाइए, रुको मेरे को ना इनको थोड़ा सा इधर को लेके आना पड़ेगा ताकि ये लावा में ना गिरे। ड्रिल का है मेरी, कितने मिले, 4 बस। अबे आना भाई यार, क्या करना चाह रहा है, नहीं यार नहीं यार, एंटरपल घुस गए, गलती हो गई थोड़ी सी, एंटरपल नीचे गिर गए यार, गलती देख रहे हो, थोड़ी सी भी नहीं हुई है, बहुत बड़ी गलती है। और खाली 4 एंटरपल मेरे हैं भाई, तो हम लोगों को मोस्ट प्रॉब्ली थोड़े बहुत तो मारने पड़ेंगे, एटलीस्ट मान के चलो हमें 20 तो चाहिए होंगे राइट, 20 मान लो ना एक बारी को, तो हम लोगों को ऐसे 5 बंदे मारने पड़ेंगे। इधर आ छोड़ू, ओए इधर आ, बस के तवा फॉर, हाँ 10 दे दिए इसने, ओके एक और, बस एक और, कम ऑन, कहीं तो स्पॉन हो जा, कहीं तो आ जा, कहीं तो आ जा प्लीज भाई, मजा आ जाएगा यार, फटैक्स हो जाए ना बिल्कुल। ये देखो अभी कहीं घुस गया था मैं अंदर, ये रहा, आ जा आ जा आ जा, कर ले युद्ध कर ले मुझसे भाई, There we go। और ये लास्ट भी हो गया अपना काम,
16 ये हो गए और 16 ये हो गए। भाई इस बंदे ने तो एकदम ही अंधा ही दे दिया, दो और। चलो बढ़िया, अपना काम वाम हो चुका है, अब यहाँ से निकलते हैं सीधा और चलते हैं भाई घर को, क्योंकि हमें बस बढ़िया। अरे चलना है यार भाई, कल करना। वो लगता है इसने मेरी AK-47 खानी है यार। जी यार भाई लिटरली AK-47 है, बट आवाज क्या आ रही है, पुंग पुंग, ऐसा लग रहा है मारियो जंप कर रहा है भाई, क्या है ये। गाइज हम लोग फाइनली आ चुके हैं, अब चलते हैं यहाँ पर से सीधा ओवरवर्ल्ड में और जाते हैं हमारी फाइनल एज में टू डिफीट द ड्रैगन। देखते हैं क्या फाइनल एज वाली चीज़ हमारी हेल्प कर पाएगी ड्रैगन को डिफीट करने में। कर तो देगी भाई, क्यों नहीं यार। कैसी बात कर रहे हो तुम, मतलब ये कैसी बात है भैया भैया। अरे मत करो यार प्लीज़ भाई प्लीज़, मेरे को किसी को नहीं मारना है, मेरा मूड बहुत अच्छा है, ठीक है, मेरा मूड बहुत ज़्यादा अच्छा है, ख़राब मत करो प्लीज़, मैं किसी को भी नहीं। अरे भाई साहब, अरे मैं मर गया था भाई अभी यार, कहाँ है मेरी AK-47, ये ले। अच्छा लगा नहीं ना भाई। यार मत करो यार, मुझे अपनी AK-47 इस्तेमाल करने पे मजबूर मत करिए प्लीज़। अरे भाई वो डायमंड्स है, ओके ले लूँगा यार। भाई फ्री के डायमंड छोड़ता कौन है, मुझे इतना बता दो बस, मतलब कौन सा बंदा होगा जो बोलेगा नहीं नहीं डायमंड्स आई डोंट वांट, ये थैंक यू बट थैंक यू, पूछने के लिए थैंक यू बट चाहिए नहीं, ओके। और हैं क्या, और है भाई एक और आ गया, बढ़िया। चलो चलो निकलते हैं यहाँ से बाहर को, और तुम ध्यान दोगे ना तो हमारी XP उतनी हो रही है जो एज चल रही है। जैसे अभी देखो साइंस एज चल रही है तो 2024 है, तुम देख रहे हो एज, मतलब एज बेसिकली मतलब इज इक्वल टू अपना XP, तो उस हिसाब से 2024 चल रहा है, तो इसलिए 2024 अपनी XP हो रखी है अभी। और जिस समय बंदर चल रहा था उस टाइम पे कुछ और था, फिर केवमैन में 800 HP हो गई थी अपनी, XP हो गई थी, तो ऐसे ही चल रहा है पूरा। तो हम लोग आ चुके हैं ऊपर, अब चलो भाई करते हैं नेक्स्ट एज का आगाज। सबसे पहले रुको एक मिनट, नेक्स्ट एज का आगाज से पहले अगर हम लोग अपने लिए थोड़े से ये बना लें एंडर पर्ल्स के अंडर आइज, तो अपना थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, एंडर पर्ल्स यहाँ पे डाल देंगे बस, इसको एक्चुअली इसको रखनी, हाँ इसको रख सकते हैं हम लोग। रुको, अब हम लोगों को चाहिए होगा एक एप्पल, क्योंकि नेक्स्ट एज अभी हम लोग 2024 में, अब आएगी फाइनल एज जो कि होगी गॉड एज, समझ रहे हो, तो वो एज में घुसने के लिए हम लोगों को चाहिए होगा एक डायमंड एप्पल। मैं गोल्डन एप्पल बोलने वाला था क्योंकि गोल्डन एप्पल तो अपने वहाँ पड़ा हुआ, बट अब हम लोगों को चाहिए होगा एक डायमंड एप्पल। तो चलो हो जाए भाई, लेट्स गो, हम लोगों को एक एप्पल चाहिए बस, ठीक है। लेट्स होप कि इसके अंदर से हमें एक एप्पल मिल जाए बस। सैपलिंग 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 प्लीज़ यार, बस एक एप्पल दे दे ओपरी, प्लीज़ प्लीज डिम डुम प्लीज यार, थोड़ी सी हेल्प कर दो यार, एक एप्पल बस, एक एप्पल, एक एक तो मैं डिज़र्व करता हूँ यार, मेरे को फील आ रही कि एक तो मिल सकता है हमें, नहीं प्लीज़ भाई, मेरे क्यों लग रहा है एक भी नहीं मिलने वाला है अब। ठीक यार, अच्छे खासे उसमें उनके विलेजर्स के उसमें एप्पल्स पड़े हुए थे, पता तुम्हें, मैंने उस टाइम पे उनको ऐसे कहा ना, अरे चलना नीचे तेरे एप्पल, तब मेरे को लग रहा है मेरे को वो श्राप लग गया है भाई, नो एप्पल श्राप, मेरे को गेम के अंदर एप्पल ही नहीं मिलते, देख रहे हो तुम लोग। और ये मिला एप्पल, देखो लास्ट, ये देखो लास्ट लीव में एप्पल, देखो बूम, मिला कैसे। आता हूँ दोस्तों एप्पल लेके आता हूँ। ओए भाई ऑलमोस्ट मर गया था मैं। ज्यादा मस्ती नहीं करनी चाहिए। अबे ये कहाँ से आ गए भाई, रुक जा जरा, ठाए ठाए, दो सेकंड का काम है मेरा, कुछ पता नहीं क्यों आ जाते हैं ये, ऐसा लगता है मेरे को यार, क्यों मतलब करना क्या है तुम्हें, क्यों आ रहे हो तुम हैं। एक काम और करते हैं हम लोग ना, देख लेते हैं कि हमें कहाँ को जाना है ताकि हम लोग उधर ही को बढ़े हैं आगे को, ठीक है। हम लोगों को बेसिकली अब देखो ड्रैगन को भी डिफीट करना है और हमें एज भी बदलनी है, तो हम लोगों को चाहिए होगा सिर्फ और सिर्फ, ज़्यादा नहीं भाई, एक एप्पल चाहिए बस, एक एप्पल। और अब ये काम आ रहा है, देखो तुम लोग केवमैन एक्स, ये मिल गया एप्पल, मिल गया एप्पल, हम ना खाएंगे एप्पल, कैसे नहीं खाएंगे एप्पल हैं, ये लीजिए एप्पल, ए फॉर आपका, नहीं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़का एप्पल, सी फॉर छुटका एप्पल। अरे भाई साहब गॉड एप्पल, इसका नाम ही गॉड एप्पल है भाई, ओके लेट्स गो गाइज, लेट्स सी क्या होता है अगर हम लोग गॉड एप्पल खाते हैं। आई गेस हम लोग फाइनल एज में चले जाएंगे इस गेम की जो कि है गॉड एज, सो लेट्स गो, 1 2 3। व्हाट व्हाट, हैं भाई ये प्रोटेक्टिव है क्या, सोडे मेरे आसपास कुछ तो हो नहीं रहा है खाली,
खाली दिखने की आएगी, क्या पता, या फिर उनको मारती होगी जो हमें हर्ट करने की ट्राई करते होंगे। अगर कोई विलेजर कह रहा हूँ, अगर कोई जॉम्बी वॉम्बी दिखता ना तो मैं तुम्हें दिखा पाता यार, पर जॉम्बी वॉम्बी तो है ही नहीं आसपास, अगर होता तो दिखा पाता। बट एक मिनट, तो हम लोग अभी प्रॉपरली गॉड एज में आ चुके हैं राइट, क्या मैं उड़ सकता हूँ? I believe I can fly. अरे भाई साहब, God fly too. Bad omen. ये तो कह रहा, खुद ही लेके आया हूँ। Absorption, water breathing, resistance, regen, instant health, health boost. What? अरे भाई साहब, level देखो 9999999. एक million में एक कम है बस। रुक जाओ, अब मैं आ चुका हूँ ना यहाँ पे। अब इनका पूरा ये destroy करने का time हो गया। ये लो भाई, गॉड्स रेत आ गई है भाई इनके ऊपर। इनने बहुत परेशान करा ना विलेजर्स को आसपास के। ये लो AK-47 निकालो भाई, ये लो भाई तुम ठाए। AK-47 निकल गई है भाई। अब देखो तुम, ये लो दूर दूर तक का जितने भी विलेजर्स थे सब खत्म। गंदा आदमी। चलो अब हम लोग एक चीज करेंगे गाइज, इसके साथ साथ हम लोग पहले तो चेक भी करते हुए चलते हैं विद टाइम, है ना। एक्चुअली हम लोग का हेल्थ बूस्ट, इंस्टेंट रीजन भाई हम लोग को, हाँ फूड की तो जरूरत पड़ने वाली, सैचुरेशन नहीं है अपने पास, बट फिर भी इसको उड़ा के देखते हैं। हम लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, देख रहे हो तुम लोग, ऐसे हम लोग को जरूरत नहीं। 25 है यार, चलो। अरे यार रेड करवा दी मैंने गलती से यार, सॉरी गाइस, सॉरी यार, थोड़ा सा गलती हो गई। अरे यार क्या कर रहा है, छोड़ क्यों रहा है इनको। चलो इस एंगल पे दिखा रहा था भाई, हम लोग लिटरली फ्लाई करके जा रहे हैं उस जगह पे, और मेरा बंदा ऐसा लग रहा है स्टैचू है कोई, देख रहे हो भाई साहब। एक बार हेल्थ देखो, हेल्थ बूस्ट, सब कुछ बूस्ट एकदम भाई। हम लोग गॉड एज में नहीं चले गए, हम लोग बन चुके हैं भाई गॉड, देख रहे हो तुम लोग। व्हाट? अब भाई यहाँ वैसे गॉड एप्पल खाया था तो हम लोग भाई वही बनेंगे ना यार। लेट्स गो, फटाफट चलते हैं, सीधे निकलते हैं भाई इस ड्रैगन को, तो आज मैं बताता हूँ तुम देखो। अबे गलत, ओ व्हाट, इतनी जल्दी पहुंच भी गए हैं? नहीं अभी तो नहीं पहुंचे नीचे भाई, इसी एंगल में तो हमें विलेज पड़ेगी ना अभी। नहीं अभी और दूर है, ये चला नीचे गाइस, लेट्स गो, इट इज टाइम टू गो गाइस। चलो भाई मैं लिटरली, ओ व्हाट भाई, ये आज तक का हैज टू बी गाइस, इट हैज टू बी आज तक का सबसे ई। और हमें इसको हटा दो, ड्रिल हटा दो हाथ से, क्योंकि ये ड्रिल अगर बाय चांस बेडरॉक तोड़ सकती है ना, तो भाई ये ड्रिल कुछ भी तोड़ सकती है, तुम समझ रहे हो ना। तो ये पोर्टल को ना तोड़ दे, अगर इसने पोर्टल तोड़ दिया तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे भाई, हम लोग लिटरली पैदल हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो इसको हम लोग इससे ऐसे करके तोड़ते हुए चल सकते हैं, बट हम लोगों को ये ड्रिल नहीं निकालनी, कुछ हो जाए भाई, कुछ भी हो जाएगा, इस ड्रिल नहीं निकालनी है, ठीक है। कहाँ से आवाज, ओ यस पहुँच गए। हाँ भाई पहली बार स्केलेटन ने हेल्प करी हमारी, स्केलेटन ने बताया मेरे को यहाँ पर। अबे चलना तू, निकल यहाँ से, कीड़ी कहीं की और आ गए क्या? नहीं ना, चलो बूम गाइस लेट्स गो, सीधा एंड की तरफ को भाई, मैं मजाक नहीं करूंगा। अरे लो यार हुक मारो भाई, अबे ये लो यार, इनको तोड़ना तो कोई बड़ी, अरे नहीं ये इतना दूर जाती नहीं, AK-47 की गोली थोड़ी पास पे फटती है वो देखो। अरे यार ये नहीं जा रहा, ये लो ड्रिल भाई। अबे व्हाट, हाँ भाई ड्रिल जाती है हर जगह, ड्रिल कहीं भी जाती है भाई। AK-47 जहां नहीं जाएगी वहां ड्रिल जाएगी भाई, ये देखो, जहां AK-47 नहीं जाएगी वहां ड्रिल जाएगी भाई, ये देखो। ये लो इसको मारूं एक बार, AK-47 रुक जाओ, लेकिन ऐसे नहीं भाई, अगर हम लोगों ने गॉड एज के वेपन्स नहीं बनाए तो क्या फायदा वो गॉड एज में आएगा राइट। यहाँ को कहाँ को आ रहा, हट बेटा, गोलियां पड़ेंगी सीधे। चलो हम लोगों को बस ऊपर नीचे डायमंड रखना है, बीच में स्वॉर्ड रखनी है, और हमारी PvP गॉड स्वॉर्ड आ गई है। अरे भाई साहब लाइट सेबर देखो तुमने, ये देखो, अच्छा इसमें दिख नहीं रही है यार, ये देखो लाइट सेबर जैसी चली। ओ भाई साहब, एक बार इसका डैमेज देखते हैं, ठीक है इसका डैमेज कितना है, किसी ड्रैग इसको मार के देखता हूँ, ठीक है एंडरमैन को। मैं लाइटनिंग समन कर सकता हूँ भाई, और इसका डैमेज भी अच्छा खासा है, दो शॉट पे मार।
दो शॉट में मारी देगी, बट जहां मारूंगा वहां लाइटनिंग आएगी भाई। अब हम लोगों को बस एक फाइनल वेपन और बनाना है गाइस, जो कि होगा हमारा बो और दोनों साइड। अबे यार अपने पास तो डायमंड्स है ही नहीं भाई। अरे रुक जाओ यार भाई, गॉड मोड भाई, हम लोग गॉड मोड में, रुको जरा, प्लीज गिव मी डायमंड्स। चलो चलो अब देखते हैं। ओह भाई हमारे पास 64 डायमंड्स आ चुके हैं, जिसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस ऐसे करना है, एक ये या फिर ये। कैसे करना था यार वो ओपी बो कैसे बनेगी हमारी, रुक जाओ ऐसे करके देखते हैं, या फिर ऊपर नीचे। यस ऊपर नीचे, गॉड्स बो। AK-47 का टाइम हो चुका है गाइस। व्हाट, ये दिखने कितनी कूल है। अबे रोता हुआ कुत्ता, अबे चलना है छोड़ू। लगता है इसको पीवीपी स्वॉर्ड से मारना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा ओपी स्वॉर्ड है, और ये आसपास की चीजें तो देखो तुम लोग कैसी हो जा रही है। ओ नहीं, भाग भाग भाग, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से। और भाई ये रही हमारी, ये कौन सी बो है, गॉड्स बो भाई साहब। हाथ में ये रखो, क्या सही स्पीड मिल रही है क्या, स्पीड 3 भाई। रुक जाओ इसको गॉड्स बो से मार के देखते हैं, इसका कोई है बचा है, ये देखो। नो वे ब्रो, कोई बचा है, हील हो रहा है ये ड्रैगन अब है, हील होगा, आजा कर दूं हील भाई। अबे लेकिन एक मिनट, इसको AK-47 से ज्यादा डैमेज हो रहा था क्या। हाँ ओए नहीं, ये स्लो कर दे रहा है भाई जिसको पड़ रहा है, देखो इसको पड़ रहा है तो स्लो हो रहा है। रुक जाओ यार, मेरे को पीवीपी गॉड स्वॉर्ड यूज करने में डर लग रहा है थोड़ा सा, ये होगा ना, क्योंकि यार मेरे को यही चीज का डर है इससे भाई। मेरा मन तो, अरे एक मिनट भाई, अच्छा मैंने वाटर बकेट कर ली क्योंकि उड़ नहीं रहा है, अब ये उड़ नहीं रहा है भाई। रुको एक मिनट, क्या पता हाथ खाली चाहिए होता हो उड़ने के लिए, नहीं पता नहीं कैसे उड़ा था फिर ये, अब उड़ नहीं रहा है। व्हाट, हाँ मेरा प्लेयर उड़ नहीं रहा है, व्हाट द हेक। कोई बात नहीं, आ जा भाई, मैं इसको मारूंगा तो AK-47 से, बहुत फनी चीज है भाई AK-47 यार। और लेकिन डैमेज देख रहा हूं, डैमेज अंधा। रुक जाओ इसको मैं हर चीज से डैमेज करके देखता हूँ, ठीक है, ड्रिल मार के देखते एक बार, ड्रिल से कितना डैमेज हो, ड्रिल से भी ओके ओके हो रहा है, गॉड्स बो से भी ओके ओके डैमेज ही है, बहुत क्रेजी नहीं है, बट गॉड्स बो से ये हो रहा है। ओके तो गॉड्स बो डायरेक्ट में उतना डैमेज, अरे चलना चाहिए तो गॉड्स बो डायरेक्ट में उतना डैमेज नहीं कर रही है जितना वो अगर जमीन पे मारोगे तो वो अपने जो बम है उससे कर रही है। अरे चलना छोड़, चला जा भाई, अब ये गॉड एज है भाई, क्रेजी। अरे यार इससे, हाँ ये कर रहा है कि डिफेंड, अरे यार ये क्या फालतू की चीज है फिर तो, ये मेरे को लगा डिफेंड करेगा ये। ले भाई भागो यहाँ से, खतरनाक चीज है भाई, भाई बहुत क्रेजी थी गॉड एज भाई, मानना तो पड़ेगा। क्या कर लोगे यार तुम लोग, क्यों कर रहे हो ये सर, तीन बार भाई। गॉड एज बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई, थोड़ी भी नहीं भाई, बहुत ज्यादा खतरनाक। तुम देख रहे हो एक बार मुझे भाई, तुम लोग बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में तुम लोगों की फेवरेट एज कौन सी थी, लाइक मेरे को सच्ची बताओ ना, मेरे को सबसे ज्यादा मजेदार, सबसे ज्यादा फन बोलोगे ना तो वो सबसे पहली थी जिसमें हम चिंपैंजी थे भाई, वो बहुत ज्यादा फन थी, बहुत ज्यादा फन थी। उसके बाद सीधी सी बात है भाई, गॉड्स एज सबसे ज्यादा खतरनाक एज थी जिसमें हम लोगों को ये गॉड्स बो और पीवीपी गॉड स्वॉर्ड मिली है, जो कि बहुत ज्यादा ओपी है, मजा आ गया। तुम लोग बताना तुम लोग का फेवरेट वेपन भी कौन सा था, वेपन या टूल जो भी तुम्हारा फेवरेट था, कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को। बाकी लाइक वाला बटन दबा दो, 100K लाइक का गोल है, और जो भी नया प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, 6 मिलियन की तरफ को जा रहे हैं, जल्दी सब्सक्राइब कर दो। बाकी 100 days 100 वीडियोस चैलेंज पर करा रहे, तुम्हारा भाई लेके आ चुका है 4th वीडियो 4th डे था भाई, मेरे को नहीं पता कैसे होगा, प्लीज सब्सक्राइब करना, थोड़ा सा हौसला बढ़ता, थोड़ी ताकत बढ़ती है, समझ रहे ना, वीडियो बनानी, तो जल्दी सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।